तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। और गाइस, आज जो है गुड्डू को एक 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है। 10 जून को गुड्डू हुई थी, उसके बाद आज 10 जुलाई हो चुकी है। तो गुड्डू को 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है और उसकी बड़ी मम्मी और उसकी जो बड़ी सिस्टर हैं, उन्होंने पूरा ऐसा अरेंजमेंट किया कि मतलब बिल्कुल ही मैं शॉक्ड हो गया। सरप्राइज़ एक मेरे लिए भी, नेहा के लिए भी हो गया। और उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखा है आज। मतलब पूरा उसका, कहते हैं ना 1 मंथ है तो सेलिब्रेशन पूरा वो लोग कर रहे हैं, और वो सेलिब्रेशन मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो तो नहीं है, बट बीच में कुछ क्लिप्स होंगी या फिर कुछ फोटोज़ वगैरह होंगी और मैं वो चीज़ आपको दिखाऊंगा। और रियली गाइस, आप लोग भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो। मतलब बहुत खुशी हो रही है यार, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो ये खुशी मैं अपनी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और गाइस, आप लोग भी देखो और इन्जॉय करो आज के गुड्डू के 1 मंथ के व्लॉग को। चोनू जा, रेडी हो गया मेरा बेटा? रेडी हो गया? हाँ जी। तो गाइस, अभी फिलहाल हम लोग जो हैं वो गुरुद्वारे जा रहे हैं नाडा साहब। गुड्डू हमारे साथ हैं, नेहा भी साथ में है। तो गुड्डू का आज वहाँ पे दर्शन करा के लेके आते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुड्डू का 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है। 10 जून से 10 जुलाई तक गुड्डू जो है 1 मंथ कंप्लीट कर चुकी है। तो इस बात पर हम लोग जो हैं एक बार थोड़ा सा गुरुद्वारे जाके मत्था टेकाते हैं और आपको भी लेके चलते हैं। और आगे का सारा व्लॉग वहीं कंटिन्यू करेंगे आप लोगों के साथ। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं वहाँ पर एक बार पहुँचने के बाद। गाइस मट्टो देखो कैसे बिल्कुल आराम से सोई पड़ी है, फुल मस्ती है, इसको नींद आ रही है, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, पूरी मस्ती में एकदम भाई, पूरे मतलब एंजॉय कर रही है पूरी नींद को। मट्टो स्नायरू उठ जा, स्नायरू। गाइस अब हम नाडा साहब पहुंच चुके हैं। यहाँ पे देखिए कितना रश है, जाम लगा हुआ है। और ये महारानी को देखिए कैसे सोई पड़ी है आराम से, मर्जी से। यहाँ देखिए आ गया है नाडा साहब गुरुद्वारा और रश फुल है यहाँ पे आज। अब आपको ले चलते हैं अंदर, दर्शन करवाते हैं। कार पार्किंग, अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, अब अंदर जा रहे हैं। हमने ऊपर लगाई थी गाड़ी पार्किंग में और यहाँ भी देखिए रश फुल है, नीचे भी। देखिए पहले, सबसे पहले जोड़ाघाट जा रहे हैं। ये जोड़ाघाट है, यहाँ हम अपने स्लिपर्स उतारेंगे और फिर वहाँ से एंट्री। Yeah.
लेके प्रसाद लेके बाहर आ चुके हैं और भाई जी ने ये गुड्डू को हार पहनाया और अब हम लंगर खाएंगे। देखिए लंगर स्थान है, अब हम यहाँ जा रहे हैं। ये देखो भाई जी ने इसको हार पहनाया, बेचारी का हार कहाँ पहुँच गया। अब हम जा रहे हैं लंगर स्थान पे। देखिए यहाँ पे मेरा प्रसाद आ गया है। गाइस अब हम बस जस्ट लंगर करके बाहर ही आए हैं। गाइस अब हम चाय पीने जा रहे हैं, चाय पीते हैं और फिर चलते हैं घर की तरफ। ये देखो पापा की प्रिंसेस, जब देखो सोई रहेगी और रात में आतंक मचाएगी। छोटे छोटे बच्चे हैं तो सोएंगे तो सही। दिन में सारा दिन सोई रहती है ये और रात में जाग रहे, जितना मर्जी करा लो। स्नैरो उठ जा, स्नैरा देखो कितनी गहरी नींद में। देखिए गाइस यहाँ पे चाय प्रसाद चल रहा है और वो प्लेट बैठ के चाय का आनंद ले रहे हैं। यहाँ चाय प्रसाद चल रहा है और मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं को चाय नहीं पीनी थी और गुड्डू मेरी गोदी में है। अब हम चलते हैं घर की तरफ, फिर चाय पी के आ जाए, फिर अब हम चलेंगे घर की तरफ। और अब हम चलते हैं बाहर की तरफ, फिर अब हम चलेंगे घर। देखिए इवनिंग का व्यू यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है। देखिए कितना अच्छा व्यू है। गाइस अब हम निकल चुके हैं घर की ओर, मेरे पीछे पीछे पीयूष आ रहे हैं स्नैरा को लेके। और अब हम पहले चलते हैं कार पार्किंग में, वहाँ से कार लेकर गाड़ी उठाकर फिर चलते हैं घर की तरफ। तो होप सो गाइस आप लोगों ने इंजॉय किया होगा आज का व्लॉग जो है, और आज के व्लॉग को हम जो है यहीं पे जो है एंड करेंगे और अब हम लोग जो है वो घर की तरफ निकलेंगे, यानी घर की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं। तो होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया, अगर एंजॉय किया और चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है तो यार जल्दी जाके सब्सक्राइब कर देना, और अगर व्लॉग को एंजॉय किया तो यार लाइक जरूर कर देना और कमेंट करना कि आपको व्लॉग के अंदर कौन सा पार्ट जो है सबसे बढ़िया लगा। और यहाँ पे नेहा है साथ में, अब ठीक है गाइस मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय, गुड बाय।